कैटरीना कैफ कमाल की पर्सनालिटी तो है ही, कमाल की एक्ट्रेस है ही, लेकिन इस वक्त एक कमाल की बिजनेस वुमेन भी बन गई हैं। जी हाँ भाई, रिसेंटली कैटरीना कैफ ने कौन सा बड़ा अवार्ड अपने नाम किया है, चलिए आपको बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ हमेशा से ही एक बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सनालिटी रही है। हर फील्ड में जहाँ भी वो कदम रखती है, वो लिटरली मेक श्योर करती हैं कि वो उस फील्ड को एस कर जाएं। इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि एक्ट्रेस एंड एंटरप्रेन्योर कैटरीना कैफ ने रिसेंटली अपना पहला अवार्ड जो है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस गैदर कर लिया है। जी हाँ, बिजनेस आइकॉन्स ऑफ इंडिया 2022 की लिस्ट में सबसे पहले आया है कैटरीना कैफ का नाम। आपको बता दूं कि सहारा स्टार में स्पेशल इवेंट को रखा गया। इस प्लेटफॉर्म पर फ्लैगशिप दी गई उन सभी ऑनर्स को जो कि डिफरेंट फील्ड में मार्केटिंग के या फिर बिजनेस के डिफरेंट फील्ड में टाइकून्स बन रहे हैं और उभर रहे हैं टाइकून्स के मामले में। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, कैटरीना कैफ हैज ट्रेबलाइज्ड हर वे इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद हर ब्रांड के ब्यूटी। और जहां तक बात है, इंडियाज मोस्ट लव्ड मेकअप ब्रांड बन चुका है कैटरीना कैफ का। जी हाँ, कैटरीना ने कुछ सालों पहले के ब्यूटी की जो घोषणा है वो की थी, और जैसे ही कैटरीना का ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, फैंस पे हर तरफ से इस प्रोडक्ट की छाप जो है वो छूट गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जहां तक बात कैटरीना कैफ की आती है, सो रिसेंटली उनका ये प्रोडक्ट काफी वायरल हो रहा है और इसीलिए मोस्ट लव्ड मेकअप ब्रांड बनकर ये प्रोडक्ट उभरा है। इसी के साथ साथ वो पहली इंडियन सेलिब्रिटी है टू वेन्यू इनटू द ब्यूटी स्पेस। उसी के साथ साथ आपको बता दूं, एंड डेफिनेटली बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस जो है उनका वो चल रहा है। वेल, इस बारे में शेयर करते हुए के बाई कैटरीना लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस कैटरीना कैफ को फाउंडर के ब्यूटी, ब्यूटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। जी हाँ, बिजनेस आइकॉन बन चुकी है कैटरीना कैफ। आपको इस पर क्या है कहना, आप लोग हमें बताइएगा जरूर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। मैम यहाँ पे वीडियो के लिए ऊपर, मैम वीडियो मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे ऊपर, मैम वीडियो यहाँ पे। जी आप पे देख लेते हो, मैं लिया।